अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। कश्मीर, कश्मीर के इलेक्शंस, इंडियन आर्मी, कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं, शाइनिंग इंडिया का वीडियो है। आइए मिलके देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंडिया आर्मी को मेरी तरफ से सलूट है सबको यहाँ पे, और इंडिया आर्मी को भी सलूट है, और हमारी यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की सबको सलूट है मेरी तरफ से। क्योंकि ये लोग ना होते हम सेफ ना होते, बॉर्डरों के लोग। हम अगर सेफ हैं तो आर्मी की वजह से सेफ है। आर्मी हमारा घर चलाती है, गरीब का घर चलाती है, और सब कुछ आर्मी यहाँ पे करती है। उनको थू लानत पड़े जिन्होंने ऐसी बात की है। कश्मीरी आज़ाद कश्मीर नहीं चाहता, हिंदुस्तान नहीं, हम हिंदुस्तानी है, हमें फख्र है, हम इस मुल्क में हम पैदा हुए। मैं कहती हूँ हर बार अगर कोई जन्म है तो मुझे इस हिंदुस्तान में पैदा होना चाहिए था। ये जो पहाड़ आपको पीछे दिखाई देंगे, जितने भी आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इनके ठीक पीछे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे हम POK भी कहते हैं, और पाकिस्तान वहाँ उसे आज़ाद कश्मीर बोलता है। मगर ये हमारा कश्मीर है, और जो पहाड़ के पीछे वाला है वो पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया कश्मीर है, जिसे लगातार अभी मौजूदा सरकार लगातार कहती है कि हम वापस लेकर आएंगे। और ये यहाँ की जनता है, यहाँ की आवाम है, और इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस बदलाव, जिस नए कश्मीर की बात होती है, वो ग्रामीण क्षेत्र और ख़ासकर जो बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ कितनी तेज़ी से बदला है। असल मायने में ये पहाड़ी क्षेत्र है, और महिलाओं के अगर जीवन की बात करूँ, वो जो आतंकवाद का दौर था, तो उस समय आप लोगों की जीवन परिस्थितियाँ क्या थी, क्या झेलना पड़ता था? पहले तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हमारे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में बात जाएगी, तो शुक्रिया करती हूँ मैं आपका तहे दिल से। वो जो, वैसे मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, बट ये है कि जो मैंने देखा, जो हमारे पाकिस्तान से जो फायरिंग होती थी, उस फायरिंग में हमने ऐसा माहौल देखा कि ज़िंदगी में हमने, कोई लोग हमारे श्रीनगर बस के यहाँ से भाग गए, कोई कैसे, बहुत बुरे हालात थे। क्योंकि ऐसे गोले आते थे, कोई पता नहीं चलता था कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना। लेकिन वो गोला बंद करवाया हमारे मोदी जी ने। यहाँ के बॉर्डर इलाके का सोचा तो मोदी जी ने सोचा, और बाकी किसी पार्टी ने नहीं सोचा। सब पार्टियां अपना चूल्हा जलाती रही, अपनी कहानियां बनाती रही, अपना सब कुछ करती रही, लेकिन यहाँ के बॉर्डर के लोग पीसे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। किसी की टांग वहाँ मिलती थी, गर्दन वहाँ मिलती थी, क्योंकि अगर हम ऐलान हो जाता था कि 4 बजे फायरिंग हो रही है, लोग अफरा तफरी में हो जाते थे, बहुत बुरी तरह भागते थे, दुकानें बंद, किसी का बच्चा बाहर गया तो उसकी टेंशन, क्योंकि उस टाइम फ़ोन भी कम नहीं थे यहाँ पे, बड़ी बुरी तरह बैंकरों के नीचे जाते थे। वहाँ पे हम लोग कभी रात भी गुजारी है, दिन भी गुजारा है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, इस चीज़ की प्रॉब्लम, बहुत बुरे हालात देखे। जो वो हालात मैंने देखे, मैं अपना बता रही हूँ, तो खुदा कभी वापस ना लेके आए। और मैं यहाँ के लोगों को यही अपील करना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ के लोग अगर विकास चाहते हैं, अगर ये गोलाबारी बंद करना चाहते हैं, अगर किसी तरह का भी कोई मतलब शांति चाहते हैं, तो सिर्फ वोट डालें तो BJP को डालें। हम आम जनता है, हम ये नहीं कह रहे, बट ये है, वोट किसको डालना है किसको नहीं डालना। मेरा ये मोटिव है कि जैसे आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही हैं, मैं अगर आपसे पूछूं क्या मतलब, ऐसा क्या मतलब, यहाँ जब आप कह रहे किसी पार्टीज ने नहीं किया, तो आपको ऐसा कौन सा बदलाव दिख गया जो आपका भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चला गया? क्या ऐसा बदलाव आपने देखा? बदलाव हमारे कश्मीर में, इससे ऊपर क्या चाहिए? आप यहाँ तक नहीं आ सकते थे, यहाँ तक इंसान बिल्कुल नहीं आ सकता था। और आप दिल्ली के हो, यहाँ बॉर्डर के इलाके में नहीं पहुँच सकते थे। आप कैमरा मैन लेके यहाँ पहुँचे, हमारे टिटवाल में पहुँचे, हमारे टंगडार में पहुँचे, आज़ाद नहीं है तो क्या है? क्योंकि एक टाइम ऐसा था, हमारे श्रीनगर की शहर की बात कर रही हूँ, यहाँ की तो छोड़ो, ये तो दूर की बात, वहाँ लोग आने में डरते थे। आज वहाँ पे देखो, घंटा घर में लोग सेल्फियाँ खींच रहे, रात दिन अपनी एंजॉय करें, टूरिस्ट आ रहा है, हर तरह की मतलब डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि वहाँ एक टाइम ऐसा था, स्कूल बंद रहते थे, हड़तालें रहती थी, दुकानें बंद रहती थी, मजदूर मजदूरी नहीं कर सकता था अपनी, और बच्चों के हाथ में पत्थर और बंदूक,
ये दो चीजों के अलावा यहाँ कश्मीर में कुछ नहीं था, तो बदलाव नहीं है तो क्या है आप बताओ मुझे। किसे मानते हैं ये पत्थर और बंदूक? पत्थर बंदूक जो हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी होगी, एनसी पार्टी होगी, पीडीपी होगी, ये लोकल पार्टियां जो लोकल सरकार यहाँ की चल रही थी, जब मोदी जी ने 300 धारा खत्म की तो तब से हम शांति खुली सांस ले रहे और बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा पत्थर नहीं उठा रहा, बच्चा बंदूक नहीं उठा रहा, बच्चा लैपटॉप उठा रहा है, बच्चा कलम उठा रहा है, बच्चा हमारा डॉलर की तरफ जा रहा है, बच्चे हमारी कोई मार्केट नहीं बंद होती, वहाँ पे अपनी मजदूरी कर सकता है बंदा खुली सांस में, क्योंकि जब हम वहाँ रहते थे यहाँ के लोग बेचारे गोलाबारी से बाकी श्रीनगर में बसे, वहाँ भी हम जब निकलते थे तो ये सोचते थे शाम को वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग वापस किसी का क्या बोलता था किसी का, शहरी और ग्रामीण दोनों देखे हमने, आतंकवाद को देखा है, बुरे हालात देखे हमने, ऐसे हालात मैंने भी देखे लेकिन जो बताए नहीं जाते। अभी यहाँ से छोड़कर चली गई? हाँ जी चले गए थे हम, बॉर्डर छोड़ के, ये गोलाबारी में मैं बॉर्डर छोड़ के चली गई थी। आतंकवाद बहुत आता था लेकिन यहाँ बीच में सेंटर में नहीं आता था, हमारे आसपास एरिया में ये इधर पूरा पीछे नाड़ है हमारा, ये पूरा जलाए गए थे लोगों के मकान, यहाँ पे आतंकवाद अंदर आके छुप गए थे, एक बुजुर्ग हमारा उसी मकान में जल गया जब इतने बुरे हालात थे, तो कौन कहता है आतंकवाद आज बिल्कुल खत्म है, सिर्फ मोदी जी ने की। कितने साल तक घर नहीं आ पाए? मैं तो कम से कम आपको बताऊं, मैं तो 15 साल तो इधर लौटी नहीं हूँ वापस, मैं तो वहीं बस की थी। याद आती थी जी बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें सोच के सर मतलब दिल अंदर इतना टूटता है कि अपने माँ बाप को छोड़ के या अपने रिश्तेदारों को छोड़ के कितने लोग जाएंगे, चलो मेरे पास दो पैसे थे मैं चली गई, लेकिन जो हमारे गरीब हैं वो कहाँ जाएंगी, उनकी हालात भी हमने देखे तो उस टाइम हमारे बहुत, पूछो मत, मुझे याद करती हूँ तो मैं अंदर से मेरा कलेजा फट जाता है, आपको मैं बयान नहीं कर सकती, और हर चीज की बात है। परिवार से आप मिल नहीं पाए? नहीं कहाँ मिल पाए, वहाँ अलग अलग थे, कोई कहाँ, क्योंकि यहाँ के माहौल ऐसा था, कोई कह रहा है यहाँ से पत्थर, यहाँ से बारी, यहाँ से क्या, ना लोग श्रीनगर बस सकते थे ना लोग इधर बस सकते थे बॉर्डरों में, बॉर्डरों में तो हमेशा टुचा टची तो लगी ही रहती थी, पूछो मत, वहाँ तो फिर आतंकवाद था, दहशत था, इतने लोगों को दहशत था, कई कई लोग तो अटैक में भी मर गए, ऐसे बुरे हालात है डर से यहाँ के, रात को जब गोलाबारी होती थी तो डर से लोग सोते नहीं थे, अगर जरा सा मैं आपको बताऊं कोई गाड़ी का हॉर्न भी बज जाता था ना जोर से, लोग डर जाते थे कि शायद गोला आ गया। तो ये मोदी जी की कमाल है जो बॉर्डर पे उसने गोलाबारी बंद करवाई, तो लोग आज देखो आज लोग अपनी मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ दान कर रहे हैं, यहाँ अपना माल कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, हर तरह का सुकून अब यहाँ मोदी जी की देन है, हम उसको नहीं भूल सकते, क्योंकि जो पहाड़ियों के लोगों को बॉर्डरों के लोगों को साथ होता था वो उसने बंद करवाया हुआ है। जो कहानियाँ मतलब कहानियाँ क्या क्या सच्चाई है कि आतंकवादी आते थे घरों में घुसते थे, जो चीज़ें पसंद आती थी वो उठाकर लेकर चले जाते थे, वो दौर भी आप लोगों ने देखा है? बिल्कुल वो दौर था कश्मीर के अंदर, वो बहुत दौर बहुत ज्यादा था। आज कहते ना कि आर्मी तंग करती थी, आर्मी को सलूट है हमारी तरफ से, आर्मी ने हमें कभी नहीं परेशान किया, और आतंकवाद आके जो उनका खाना बना हुआ था खाना खा लेते थे, और जो लेडीज पसंद आती थी उसको उठा के ले जाते थे, बच्चों को मतलब भूखे लोग घर के लोग भूखे सोते थे, हाँ घर के लोग भूखे सोते थे, आप इतने हालात खराब थे, ये क्या कहते हैं आर्मी अगर ना होती यहाँ के लोग भूखे मर जाते, यहाँ के लोगों को घर का राशन ना मिलता, घर के जो अब देखो जो मजदूर बंदा है बेचारा वो वहां से जाता है, कई लोग हैं यहाँ पे जो गरीब हैं जो आर्मी ने राशन लगा रखा है उनको, तो जो महिलाएं उठाकर ले जाया जाता था उनका क्या होता था, वो वापस आ पाता? कहाँ वापस, अगर वो जंगल में ले गए तो वापस नहीं आती, नहीं तो कोई पता नहीं चलता था कहाँ से आई कि नहीं आई, वो बहुत बुरे हालात है वो ना, वो हम याद नहीं कर सकते वो चीजें, ऐसे ना तो डर बना रहा, तभी आपके घर वालों ने भगा दिया था? नहीं हमें घर वालों ने नहीं भगाया, हमने तो गोले की डर के मारे गए, हमारी बेटी को कोई ले जाएगा तो हम कैसे बर्दाश्त, हमारे यहाँ तक इतना माहौल वो चीजें नहीं थी, वो बहुत पहले की बातें थी, बट कश्मीर में अभी भी जस्ट अभी भी चल रहे थे, 2-4-5 साल से ही कश्मीर में बंद हुआ है मसला, हाँ 370 के बाद 370 हमारे लिए एक पूछो मत बहुत खतरनाक चीज़ थी, क्योंकि ये सिर्फ लोकल पार्टियां करवाती थी यहाँ की, हमारी ये पार्टियां ने करवा के लोगों को गुमराह करके बस लोगों की जान लेती थी, बच्चों का खून देती थी, बच्चों का खून ही लेते थे, मावें घर में इंतजार करती हमारा बच्चा स्कूल से आएगा, हमारा बच्चा मजदूरी करके आया, लेकिन उस बच्चे की डेड बॉडी आती थी, आज तक मावें रो रही हैं, कोई टेंशन में, कोई विधवा है, कोई बहन है, कोई कैसे, बस ये हालात यहाँ के थे, लेकिन मोदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हैं जो मोदी जी ने यहाँ का माहौल चेंज किया है। आप भी पहाड़ी कम्युनिटी? जी बिल्कुल पहाड़ों हूँ, पहाड़ी। बात यही होती है कि 370 वापसी की बात कही जाती है और पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिला 370 और 35 से हटने के बाद से,
आप चाहती हैं वापस हो, क्योंकि बार बार 370 को कश्मीर जो यहाँ के राजनीतिक दल है वो कश्मीर का ताज बोलते हैं, कहते हैं कश्मीर का ताज है, इसे वापस लाना जरूरी है। सर ऐसा कुछ नहीं है, वो कहते हैं ना जो इंसान मर गया वो दफन हो गया कब्र के अंदर, तो वो 370 जो थी वो दफन हो चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। यहाँ की पार्टियां गुमराह कर रही हैं, आम जनता को गुमराह कर रही हैं, गुमराह मत होएं, क्योंकि वो चीज कभी वापस नहीं आ सकती। जब दुनिया से खत्म हो गया, मर गया एक इंसान, उसको हम कैसे वापस लेके आएंगे, वो तो दफन हो चुकी है, वो नहीं आती वापस, और ना ही हम चाहते कि वो कभी वापस आए, क्योंकि वो वापस आए क्या यहाँ पे कश्मीर में, क्या शांति नहीं देखना चाहते, क्या कश्मीर में सुकून नहीं देखना चाहते, क्या कश्मीर में बच्चे को पढ़ाई कराना नहीं चाहते, क्या कश्मीर को मजदूरी कराना नहीं चाहते, टूरिस्ट नहीं करना चाहते। यहाँ का लोकल बंदा जो दुकान खोल के बैठा है, कोई लोन भी लेके बैठा हुआ है, टूरिस्ट आएगा तो उसकी दुकान चलेगी, क्या ये नहीं चाहते कि वो धारा को हमने क्या करना है, हमने धारा को करना क्या, हमारे लिए धारा बहुत मुश्किल थी, वो खत्म होगी, उसका तो नाम ही ना ले। मैं कहती हूँ जो भी मुझे जनता सुन पा रही है वो जनता अपने माइंड से निकाल दे, 370 हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल क्रॉस मार दिया, वो दफन कर दिया, उसका जनाजा पढ़ दिया। वो भी तो कह रहे हैं हम नया कश्मीर बनाने की बात करें, तो कौन से कश्मीर की बनाने की बात, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आ गया तो कौन सा कश्मीर बनाएंगे? अरे हम तो कहते कभी आए ना, ना तो आएगा ना, जनता लाएगी, अगर जनता लाएगी तो तभी तो आएगी, जनता इस चीज को नहीं चाहती है। मॉडल कौन सा है जो वो लेकर चल रहे हैं? वो जो कह रहे हैं 1953 वाला कश्मीर, वो कह रहे हैं 370 वाला कश्मीर, 35 वाला कश्मीर। अरे 35 वाला अभी मैं आपको क्या बोल रही हूँ, वही तो बोल रही हूँ, क्या बच्चा हमारा, क्या हमारा जनाजा आएगा उसका घर में, क्या यहाँ की मार्केट नहीं चलेगी, यहाँ के स्कूल नहीं चलेंगे, पत्थर देंगे, एक साइड बंदूक देंगे, बच्चों को क्या क्या चीजें देंगे? फिर वो वाला अगर कश्मीर कोई चाहता है तो फिर मैं कहती हूँ उनकी बहुत बड़ी सोच गलत है, इस चीज को गलत ले रहे, क्योंकि यहाँ की पार्टियां गुमराह करके उनसे वोट ले रही है। मैं हमेशा कह रही हूँ कि पार्टियां जो हमारी जनता है, गरीब के पास एक वोट है, वो वोट मत जाया करें, क्योंकि कमल के फूल पे डालें जिसने यहाँ पे सुकून और जन्नत लगे के आए। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पीछे है, बस मैं आ गया सर आपके पास, फिर इनसे समाप्त करके मैं आपको, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीछे है, लगातार बात होती है, उसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, और यहाँ भी कुछ लोग लाल चौक पे खड़े होकर लगातार बोलते थे कि हमें क्या चाहिए पाकिस्तान, हम कौन है पाकिस्तानी, और वो भी एक आजाद कश्मीर की परिकल्पना रखते थे। आप चाहती हैं कि कश्मीर आजाद हो, और उस पीओके को लेकर आपकी क्या थॉट्स हैं? वो पीएको हमारा है और रहेगा, और उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, और सबसे पहले सदीका खान आगे होगी, जो उस पीएको में सामने हमारा पीएको है, और इस तरफ मैं झंडे लगाती हूँ वहाँ पे हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान का हमेशा वहाँ तिरंगा मेरा रहता है, और मैं अपनी हर मतलब लेडीज को इकट्ठा करके वहाँ पे लेके जाती हूँ, क्योंकि वो पीएको हमारा है और हमारा रहेगा। अगर हमारे हाई कमांड से ऑर्डर आएंगे कि हमें वापस लेना, सबसे पहले ये लेडीज आगे होगी इंशाल्लाह, ठाप के पहाड़ी महिलाएं खड़ी हैं, पहाड़ी महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी, और हारती नहीं है ना डरती है, डरना उस खुदा से, लोगों से नहीं डरना। उनको आजाद करेंगे, आजाद मुल्क बनाएंगे, उनको क्या कहेंगे? उनको तो मैं ये कहती हूँ आजाद है कश्मीर, ऐसे ही हमें चाहिए कश्मीर, फूलों का गुलदस्ता, और जो अगर वो वाली आजादी चाहते हैं तो वो लोग जहाँ जाना चाहते वो चले जाए, हमें नहीं चाहिए। कहते हैं आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारत की सरकार अत्याचार कर रही है, भारत की आर्मी अत्याचार कर रही है, आपको बचाने की जरूरत है। वो तो पूरे इलेक्शन में कहते हैं कि हमें कश्मीरियों को बचाने, कश्मीरी हमारे भाई हैं। अगर मुझे कोई पाकिस्तानी सुन रहा है, किसी तरह से भी सुन रहा है, तो उनको पहले तो शर्म आनी चाहिए हमारे इंडिया आर्मी के ऊपर ऐसे ब्लेम लगाने की, इल्जाम लगाने की। हमारी इंडिया आर्मी हमारी सपोर्ट में है, इंडिया आर्मी ना होती हम यहाँ खुली सांस नहीं लेते, इंडिया आर्मी ना होती हम खाना ना खाते, हम भूखे मरते। इंडिया आर्मी को मेरी तरफ से सलूट है सबको यहाँ पे, और इंडिया आर्मी को भी सलूट है, और हमारी यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की सबको सलूट है मेरी तरफ से, क्योंकि ये लोग ना होते हम सेफ ना होते, बॉर्डरों के लोग। हम अगर सेफ हैं तो आर्मी की वजह से सेफ है, आर्मी हमारा घर चलाती है, गरीब का घर चलाती है, और सब कुछ आर्मी यहाँ पे करती है। उनको थू लानत पड़े जिन्होंने ऐसी बात की है। कश्मीरी आजाद कश्मीर नहीं चाहता, हिंदुस्तान नहीं, हम हिंदुस्तानी है, हमें फक्र, हम इस मुल्क में हम पैदा हुए। मैं कहती हूँ हर बार अगर कोई जन्म है तो मुझे इस हिंदुस्तान में पैदा होना चाहिए था। कोई आपत्ति नहीं है, भारत माता जय, भारत माता जय, मुझे कोई किसी तरह से कोई वो नहीं है, किसी तरह से कभी नैरेटिव लब चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता है। अदर पाकिस्तान जिंदाबाद, ये अदर पार्टियां करवा रही हैं। आप देखो ना, एक गरीब बेचारे को अगर आप 500 या 200 दे दोगे अदर पार्टियां, तो वो नारा लगाएंगे, वो बेचारे को घर चलाना, पेट भरना है, उसका मसला ये है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब हिंदुस्तान बड़ा अच्छी तरह शांति से चल रहा है, कश्मीर को चलने दो, पाकिस्तानियों कुत्ते कश्मीर को चलने दो, बस। चलिए मैं आता हूँ आपके पास। अच्छा एक सवाल लास्ट, उमर अब्दुल्ला की जो मैनिफेस्टो है उसमें पाकिस्तान से वार्ता और पाकिस्तान से व्यापार की भी बात उन्होंने कही है, किस बात पे करेंगे बात, क्या
किस बात पे करेंगे? जो हमारा दुश्मन है, जो हमें गोलाबारी बेचता था, जो हमें आतंकवाद बेचता था, जो हमारी बेटियों को तंग करते थे, जो हमारे खाने खाते थे, जो हमें रात को भूखे सुलाते थे, उनके साथ क्या बातचीत करनी है? और लानत पड़े जो बोल रहा है उसके ऊपर, जो ऐसी बातें बोल रहा है। हमें नहीं चाहिए बातचीत किसी तरह के। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते, हम क्यों चाहेंगे? कोई हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, उनको मुबारक, हमें नहीं चाहिए, हम अच्छे हैं अपने हिंदुस्तान में, खुश आबाद है। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। हाँ, मेरा नाम इम्तियाज़ अमन मीर। इम्तियाज़ जी, हम आज खड़े हैं पीओके, जो पीओके बॉर्डर यहाँ से लगता है आगे जाकर थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पीछे है। ये बॉर्डर एरिया हुआ करता था, लोग मुझे बता रहे थे किस तरीके की स्थिति थी। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि वो जो आतंकवाद का दौर, वो जो माओवाद का दौर, वो जो हुआ करता था, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या हालात हुआ करते थे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान से कश्मीर पहुँचे। कश्मीर से आप अभी उस जगह पे खड़े हैं जहाँ बॉर्डर बहुत ही नज़दीक है, यानी कि मान लो इसको ALC है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। आप यहाँ आए, आपने लोगों की बात सुनी, और जहाँ तक हमारा पैदाशी जो आबाई ये गांव है हमारा, 35 ईयर्स हमारी एज हुई है। हमने इस एज में, अपनी इस उम्र में ये चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। यहाँ घोड़ों के रास्ते हुआ करते थे, यहाँ गाड़ियों का नाम निशान ही नहीं होता था, यहाँ जंग, यहाँ गोला बारूद, चारों तरफ फायरों की आवाज़, चारों तरफ लाशें उस तरफ इस तरफ उठनी, खून खराबा। यही चीज़ हमने जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर और इस बॉर्डर इलाके में हमने देखने को मिली है। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता हमारी एज भी बढ़ती कि आगे हम नई दुनिया भी देखते गए। खासकर जब 2014 की बात करूं, मैंने अपने एक मुल्क का और अपने इस जम्मू कश्मीर के एक टर्न देखा, जो 2014 के बाद जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का काम चला, वहां से चला और इस बॉर्डर एरिया तक पहुंचा। मैंने आपको अर्ज़ किया, जहाँ घोड़ों के लिए रास्ता भी मुश्किल था, जहाँ इंसान को चलना पॉसिबल नहीं था, आज जो मरकज़ की सरकार है वहाँ उनने गाड़ियाँ पहुँचा दी, मोदी जी ने। बिल्कुल हाँ। आप पहाड़ी कम्युनिटी से मतलब बिलोंग करते हैं, गुजर बकरवाल? मैं पहाड़ी हूँ, और हमारे एक चीज़ और, जो पहाड़ियों की एक दरीना मांग थी, पिछले 70 साल से शेड्यूल ट्राइब का हम दर्जा मांगना चाहते थे। हमारे बुज़ुर्ग मांगते मांगते इस दुनिया से चले गए, कुछ लोग अभी भी मांग रहे थे, लेकिन मोदी जी ने लाल किले से 15 अगस्त के वक्त जब उनने ऐलान किया, कहा कि पहाड़ी भाइयों को भी इस शेड्यूल ट्राइब दर्जे में ज़रूर लाया जाएगा, तो यहाँ लोगों की क्या सें चली भाई, ये सियासी जुमले हैं इस तरह से हैं, लेकिन हमने ये माना कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी क्यादत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उन्होंने ये बात मतलब पूरी कर ली। मुख्य तौर पर आप खुश हैं कि आपको रिजर्वेशन मिला, मगर मैं ये समझना चाहूँगा, जब ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ मैंने देखा कि DDC वाला जो इलेक्शन रहा, पंचायती राज की जो बात हुई, उसका बड़ा विरोध हुआ। अगर मैं आपसे पूछूँ कि जब पंचायती राज आपके पास आया, तो उससे क्या बदलाव आपको दिखा? देखिए, पंचायती राज जो पहले भी था, लेकिन उसका इतना बेनिफिट एक मजदूर तक, एक किसान तक नहीं पहुंच सकता था। जब 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आई, तब एक पंचायती राज भी एक्टिवेट हुआ। तब पंचायती राज का जो एक बेनिफिट्स होते हैं, उनके जो लोगों को चलाने के सिस्टम्स होते हैं, वो लोगों तक पहुंचे। यहाँ लोगों ने नरेगा की मजदूरियाँ की, यहाँ 14FC के काम हुए, जहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना स्कीम के तहत लोगों के घर बने, यहाँ हमारी रोड़ें बनी, हमारी सड़कें बनी। ये किसकी देन है? ये मोदी जी की देन है। आप बोल रहे हैं हम खुश नहीं है, ये किस तरह ये बात करें, हम खुश नहीं है? खुश ना होने वाली बात ना करें। आप जम्मू कश्मीर में ये पूछे, हम खुश हैं इस चीज़ पे। मगर श्रीनगर में बैठी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे मैं PDP की बात करूं, चाहे NC की बात करूं, वो तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में यही बताने का प्रयास करें कि 2019 के बाद से, जब से आया, 370 कश्मीर से छीना गया, कश्मीर बर्बादी के कदार पर चला गया। देखिए, 370 जब पार्लियामेंट के अंदर इसका फैसला लिया गया, तो पहाड़ी जो गुजर और कश्मीर के जो लोग हैं, बकरवाल,
इन्होंने इसका समर्थन किया, वेलकम किया, क्योंकि हम एक बोतल में अंधेरे में बंधे हुए थे, 370 और 35A के अंधेरे में हम बंधे हुए थे। आज जम्मू कश्मीर के अंदर देखें किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, आज जम्मू कश्मीर का ये विकास किस तेज रफ्तार से चल रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी बेरोजगारी थी इन्होंने उसको निकाल के, बेरोजगारी का ग्राफ देखें, रोजगार का ग्राफ देखें, ये किस तरह ऊपर जा रहा है। ये अलबत्ता इनकी जो दुकानें हैं ये 70 साल से हम पर सियासत खेल करके हमारे लोगों के कत्ल करवा के, किसी को बंदूक उठाई, कहा कि आप बंदूक उठाएं जी, कश्मीर को आज़ाद करवाना है। भाई आज़ाद किससे करवाना चाहते हो आप? आप अपनी दहशतगर्दी का माहौल बनाना चाहते हो यहाँ पे? हम मैं तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा, एक चीज़ और याद आ गई मुझे, ऊपर वाले का शुक्र है कि हम इस हिंदुस्तान के मुल्क में रहते हैं। ये एक ऐसा भाग है जिसमें हर तरह की खुशबू हमें सूंघने को मिलती है। तो बात करूं मैं पॉलिटिकल पार्टियों की, और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते हैं, देखो वो भी हमारा हिस्सा है। हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों को एक विश्वास दिलाया है, तो हम उस चीज़ पे टिके, हमारी नज़र बंदी है। तो आजकल देखिए आप इलेक्शन में किस तरह से माहौल बदल रहा है। हाँ, रक्षा मंत्री इन सब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा ऑक्युपाइड, जो हमारा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वो हमारा हिस्सा, वो तो हम लेंगे। और उनने कहा हम जान देने को, हम भी उनके साथ जान देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा एक मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इस तरह से कह रहा है, हम उनके आगे सर झुकाते हैं और हम इस मुल्क के लिए, कश्मीर लेने के लिए जान दे सकते हैं। बिल्कुल, हम जान देने के लिए तैयार हैं, पहाड़ी अपनी जान दे सकते, देखो ये दे सकते हैं हम, बिल्कुल हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने मुल्क के लिए, हमारे लोगों ने, हमारे फौजियों ने, हमारे नौजवानों ने इस बॉर्डर पर रह करके इस मुल्क की रक्षा की। और आज हम इस तरह से कहते हैं कि अगर हमें वो हिस्सा लेना है और उसके लिए अगर हमारी जान भी चलेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकर रहेंगे। ये वादा है हमें चाहिए, हमें चाहिए। हम अपने मरकजी हुकूमत है जो, हम उनसे एक बार फिर आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप उसकी तैयारी करें लेने की। हम सेवलिन यहाँ पे सीना तान के खड़े हैं आपके साथ, ये वादा है। अगर हम आगे रहेगा पहाड़ी जो है ये बिल्कुल सबसे आगे फ्रंट पे रहेगा अगर हमें ऑक्युपाइड कश्मीर लेना होगा, ये वादा है। मगर वहाँ जो पाकिस्तान में नैरेटिव चलता है, पूरी दुनिया में बताते हैं कि इंडियन आर्मी आप पे अत्याचार करती है, ये तो गुलाम है, असल में जो कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर है जिसे पाकिस्तान ने बना, जो POK कश्मीर है। देखिए आप तो देखते होंगे, आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हो, कहते हैं पाकिस्तान कहता है कि हम लड़ेंगे, कश्मीरों को आज़ादी दिलाएंगे, यहाँ तो उनके जो है धर्म सेफ नहीं है। देखिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान में धर्म सेफ नहीं है, धर्म जो सेफ है वो इस अपने मुल्क हिंदुस्तान में सेफ है। अगर यहाँ धर्म सेफ ना होता, हमारी जो अयोध्या में एक मस्जिद बनी, वहाँ से काबा से इमाम काबा आके उसका पत्थर ना लगाते। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उनका नारा है, रहेगा और इसे कोई मिटा नहीं सकता। रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान खुद एक पूरे के पूरा दहशतगर्द मुल्क है। हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, वो नाम के मुसलमान हैं, हम मज़हब के मुसलमान हैं। हमने उस वक्त ये चूज़ किया कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहेंगे, अच्छा मुल्क है, शांति है यहाँ पे, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है। उस तरह की जो बनावटी बातें उनकी मीडिया या वो लोग कर रहे हैं, यहाँ पे आर्मी है हमारे, छोटे छोटे बच्चों की वीडियो आती है, वो कहते हैं हम कश्मीरियों के लिए लड़ेंगे, कश्मीर भाइयों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं भाई, नहीं भाई, मैं उनसे ये मैसेज है मेरा उनके लिए, हमारे लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके खिलाफ लड़ेंगे, हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। आप बेहतर हैं वहीं पाकिस्तान में रहना चाहते हो तो रहें, लेकिन हमें ये आज़ादी के लिए, हम POK की आज़ादी के लिए। और नंबर दो, आपने आर्मी की बात की कि आर्मी हत्याचार कर रही है, ये बड़ी, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान ऐसा कहता है, मेरा पाकिस्तान से आपकी, आपने मैसेज सुना तो आपने मुझे ये सवाल पूछा। जिन्होंने इस तरह से ये बात की उनके उनके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए कि हमारे लोग यहाँ पे 70% लोग हैं जिनको आबाद हमारी इंडियन आर्मी कर रही है। हमारे यहाँ पे हर साल 2 साल के बाद हमारे नौजवान भर्ती होते हैं आर्मी में, हमारे हर साल सीजनल 6-6 महीने पोर्टल लगते हैं, हमारे हर महीने में 50-100 कैजुअल लगते हैं, हमारे मुसलमान यहाँ के लोकल पहाड़ी हमारे आर्मी के मेट भी हैं। अब मुझे पता आर्मी गलत करती है सही करती है? आर्मी तो सही करती है। अगर ये पाकिस्तान इस तरह से बातें कर रहा है ये बोतानबाजी है। आर्मी आपके लिए क्या है? आर्मी हमारे लिए हमारा जिगर है, हमारा ताज, आर्मी हमारा जिगर है और हमारा ताज, हम उसको अपना ताज मानते हैं, हमारा बाजू है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग
हम दिल्ली में कुछ कॉलेजेस हैं वो भी कहते थे कि आर्मी यहाँ पे उनके भी शब्दावली थी, अगर आज यहाँ आर्मी नहीं होती जिस हालात में हम लोग रह रहे हैं, जो 19 से पहले जो हालात थे, तो क्या हालात होते अगर यहाँ आर्मी नहीं होती, तो आप लोगों के साथ क्या होता? देखिए, अगर यहाँ पे आर्मी हमारी रक्षा नहीं करती तो मैं एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं हमारी, हमें पाकिस्तान से डर लगता है, पाकिस्तान हमें जीने नहीं देता यहाँ पे, हमारी आर्मी जो है ये 24 घंटे हमारी रक्षा कर रही है, हम पूरी रात घूमते हैं, यानी कि पाकिस्तान में कोई रात को घूम के देखे उसको तो सीधा फांसी चढ़ाएंगे वो जी। हम पूरी रात घूमते हैं, हम श्रीनगर जाएं, हम दिल्ली में जाएं, हम पूरे मुल्क में घूमें, इस मुल्क में कोई किसी को नहीं पूछेगा भाई आप कहाँ से आए हो, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पता चले कि हिंदुस्तान का वासी है। मैं आपके पास आता हूँ सर, थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों से भी पूछेंगे दादा, क्या उम्र होगी आपकी पहले? थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, बीच में आ जाइए आप, क्या पहले आप नाम बताइए और अपनी उम्र बताइए मुझे। हेलो, वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ चक है, उम्र, हाँ जी, मेरी उम्र 80 साल है। 80 साल आज़ादी के पहले से हैं? ना, उसी वक्त फायदा हुआ। अच्छा, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, आपने इस इलाके को हर लहजे से बदलता हुआ देखा, वो भी दौर देखा, ये भी आप दौर देख रहे हैं, ठीक है? हम जो तस्वीरें देखते हैं कि बॉर्डर एरियाज में वहाँ से सेल्स छोड़े जाते हैं, गोले घर टूटते हैं, ये टूटते हैं, तो 19 से पहले क्या हालात होते थे, आप लोग जीवन बसर कैसे किया करते थे, क्या मतलब बार बार जैसे हमने वहाँ पे देखा कि बंकर्स बने हुए हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो क्या हालात आप लोगों ने फेस किए, थोड़ा विस्तार से बताइएगा दादा, 80 साल की उम्र के पूरा तजुर्बा इस पर रख दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के लोगों की मैं बात करूँगा कि 65 की लड़ाई हुई, मैं जो बात करूंगा वो सुनते रहना। 65 की लड़ाई, उसमें हमारे जितने भी औरतें, मर्द, बच्चे सब फौज के साथ यहाँ लड़े और फौज को आगे बढ़ाया, हम भी आगे उनके साथ रहे साथ साथ, और कम से कम 40 किलोमीटर हमने पाकिस्तान का एरिया लिया कब्जा, इस साइड से भी उस साइड से भी, और उसके बाद 71 की लड़ाई हुई, मैं फौज की बात कर रहा हूँ, 71 की लड़ाई हुई, उसमें भी हमने कम से कम 10 किलोमीटर एरिया जो है वो हमने लिया, पाकिस्तान को पीछे पछाड़ा, और इधर से भी लिया, उधर से भी, उस साइड से भी, और हमारे जो यहाँ के लोग हैं, कितने आदमी मरे किसमें, लड़ाई में, फौजी मरी, हम ही मरे, ऐसी बात नहीं है, जो जिसकी सिविलियंस भी जो होता था वो आर्मी के साथ लड़ने चले, बिल्कुल बिल्कुल, सिविलियन बोझ उठा के जाता था, क्योंकि यहाँ गाड़ी वगैरह चलती नहीं थी, रोड नहीं थी, कुछ आदमी नहीं, जिसे हमारे भाई ने बताया, बच्चे ने, कि रोड के ऐसे चल नहीं सकते, इतना रोड नहीं था, बिल्कुल रोड नहीं था, फिर रोड आस्ता आस्ता बना, पहले छोटी गाड़ी आई, फिर बड़ी गाड़ी आस्ता, मगर कैसे करते थे? आज जो है, मैं आज की बात कर रहा हूँ, हाल की, वो अरसा चले गया, 71 की लड़ाई पीछे जो इन लोगों ने किया, वो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में किसी ने नहीं किया होगा, जो करना इस जगह का नाम टंगनारा है, ये शांति नगर था, और ये हर वक्त फौज के साथ शाना बशाना रहते हैं, जो फौज भी मौजूद है उससे पूछ सकते हैं कि भाई फौज सिविल और फौज का कैसा कंप्रोमाइज है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो 2014 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो मोदी सरकार हमारी बनी, तो सरकार ने जो काम किए, जितने भी काम किए, वो सब गरीबों को लिए किए, वो अमीरों के लिए काम नहीं किए, गरीबों के लिए क्या काम किए मैं उन्हें बताऊँ। सबसे पहला काम उनका है, मोदी जी का सबसे पहला काम क्या है, कि हम लोग बैठे थे पहाड़ों के नीचे, दरियाओं के किनारे, दरख्त के नीचे बैठे पेशाब करने के लिए, बैतुल खला, सबसे पहले उन्हें बैतुल खला हमारे दी, बैतुल खला बैठने के लिए वो दिए, पहले 500 रुपये के, फिर उसके बाद में 1200 रुपये के, उसके बाद में 12000 रुपये के, उसके बाद में 3-3 लाख के बने, 80 के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, ये 18 साल के अंदर जो बने वो उन लोगों के बने, जो मेंबर थे और जो सरपंच थे, उन्होंने 3-3 लाख वाले वो उन्होंने रखे, बाकी गरीबों को कुछ भी नहीं मिला। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था पाकिस्तानी बॉर्डर्स जो एरिया है, पाकिस्तानी कश्मीर और इंडियन साइड कश्मीर, और वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी क्या है, और अब वो कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं, और ये जो 370 हटने के बाद से वहाँ पे, हमने बहुत बार इन चीज़ों पर बात करी है, लेकिन ये जो बॉर्डर एरिया और फायरिंग और इन चीज़ों पर आज हम पहली बार बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो मुआहदा हुआ था, ये मुशर्रफ दौर में एक मुआहदा हुआ था इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी के मुबैन, के ये जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है ये अब नहीं होगी। तो ये शुक्र है कि तब से अब तक जो बॉर्डर्स जो हमारे हैं वो शांत हैं और वहाँ पे सेफ हैं, और दोनों तरफ से ही कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, कि ज़ाहरी बात है इधर से फायरिंग हो रही है तो उधर से भी कौन सा नहीं हो रही, तो दोनों साइड से ये फायरिंग होती थी, जो
करीबी बसने वाले गांव हैं वहां के लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होती थी और उनकी ज़िंदगी मुतासर क्या है, वो ज़िंदगी जीने के लायक नहीं थी जो उस टाइम उस समय चल रही थी। और ये भला हो उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने जो फैसला किया बहुत अच्छा था और ये फैसला उनके लिए अमन का पैगाम लाया और आज वही अमन चल रहा है तो इसको ऐसे ही चलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि 370 हटने के बाद जिस प्रकार से वहाँ पे डेवलपमेंट आई है, इंडियन साइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तानी साइड जो कश्मीर के लोग हैं वो शायद उसको देख के काश कि ऐसा हमारे साथ हो ऐसा ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि आज जो डेवलपमेंट है इसको अगर कंटिन्यू चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। तो हम भी यही कहते हैं कि भाई जो आपके लिए बेहतर काम कर रहा है आपने उसी को ही वोट करना है, बजाय इसके कि लोकल्स जो पार्टीज़ हैं जो आपको हमेशा से आजमाई हुई हैं उनको आजमाने की बजाय आप बीजेपी को मौका दें। बीजेपी ने पिछले जो 10 सालों में कार्य करा है वो एक बच्चे बच्चे की अगर ज़ुबान पर बोल रहा है तो फिर वोट भी बीजेपी को ही पड़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही देखिए कि एक चीज़ है कि वहाँ के जो लोकल है जो बकरवाल हैं गुजर हैं जो भी बिरादरियाँ वहाँ पे बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं खास तौर पे बॉर्डर के इलाकों में जो हैं वो जब उनकी ज़िंदगी में जो अमन सुकून और जो चीज़ें जो सहूलतें जो सुविधाएँ वहाँ पे उनको मिल रही हैं जो इंसानी हकूक उनके गज़ब हो रहे थे वो जब वो उनको मिल रहे हैं तो उनको भी ये चाहिए ना कि वो देखें कि भाई कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने 70 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जो पार्टी अब उनके लिए सब कुछ कर रही है, उनकी ज़िंदगी में अमन लौट गया है, उनकी ज़िंदगी में सहूलियात उनको मिल रही हैं, वो बॉर्डर एरिया में होते हुए पहाड़ी एरिया में होते हुए हर एक सहूलत अगर आपको मिल रही है तो जिस पार्टी और जिस इकदार में रहते हुए लीडर ने जिसने आपको दिया है ये सब कुछ उसको आपको वोट करना चाहिए, उसकी पार्टी को आपको जो है वो प्रमोट करना चाहिए, उसकी पार्टी को आगे लेके आना चाहिए ताकि ये डेवलपमेंट और ज़्यादा हो, ये तरक्की और ज़्यादा हो, ये जो अमन सुकून और सहूलियात आपको मिल रही हैं ये और ज़्यादा आपको मिले क्योंकि ये पिछले 70-75 सालों से आपके गजब हो रहे थे खाए जा रहे थे लेकिन अब अगर किसी लीडर ने आपके लिए सोचा है तो आपको भी उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो लीडर ही उसकी जमात ही जो है वो आगे आए ताकि इस तरक्की के रस्ते को वो रोक ना सके, इस तरक्की गाड़ी को जो है वो जो ट्रैक पर चढ़ी है वो अब रुके ना, ये और ज़्यादा हो और ज़्यादा तरक्की जो है उन लोगों की ज़िंदगियों में आए। ये जो अब वहाँ के लोकल हैं उन्हीं को चाहिए कि वो ऐसा यानी कि उनको वोट करें, उसी पार्टी को वोट करें जो उनके लिए ये सब कुछ कर रही है और ये हर बच्चे की ज़ुबान पे है कि जो उनके लिए उनकी ज़िंदगी में सानियाँ लाया है उनकी ज़िंदगी में अमन लौट के आया है तो वो उनको अब ये चाहिए कि ये उन उस पार्टी पर जोर दें जो पार्टी उनके लिए ये सब कुछ कर रही है। बिल्कुल जी, आप देखिएगा ये जो बॉर्डर जो एरियाज होते हैं यहाँ पे रहने वाले लोगों की हिम्मत होती है चाहे वो पाकिस्तान साइड हो, इंडियन साइड हो, चाइनीज साइड हो या कोई भी बॉर्डर जो एरियाज होते हैं वहाँ पर जो ज़िंदगी होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि जब भी कशीदगी होती है तो सबसे पहले वही एरियाज जो होते हैं वो ख़तरे में आते हैं और हमेशा से जब भी बॉर्डर पर कशीदगी होती है फायरिंग होती है तो उसमें आम लोग जो है ना उसकी जद में आते हैं। तो बिल्कुल अगर ये यहाँ पे अमन कायम हुआ है और ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो बिल्कुल उसको क्रेडिट देना चाहिए, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको ये मिलना चाहिए और लोग उसको क्रेडिट दे भी रहे हैं तो क्रेडिट भी के साथ साथ अगर आप जो है ना आपको ये हक भी दिया गया है कि आप वोट भी दें और अगर आप उस क्रेडिट को देते हैं लेकिन वोट नहीं देते तो इसको भी मुनाफ़त कहा जाता है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप देखिए 90% जो लोग हैं यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे तक अगर आवाज़ पहुँच रही है हम जो चीज़ देख रहे हैं वहाँ पे हमें सिर्फ मोदी ही नज़र आ रहे हैं और मोदी जी के अलावा कोई और बात नहीं नज़र आ रही, कोई एका दुक्का को 5% 10% जो लोग हैं वो बात करते होंगे लेकिन 90% जो है हमें यही नज़र आता है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछला इलेक्शन हुआ है उसमें भी जो वोट का टर्न आउट है उसको देखा जाए तो उससे हमें तो अफसोस हुआ, भाई पाकिस्तान में बैठते हुए बैठकर भी अगर लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं अगर उसी को देखते हुए अब ये वाला भी रिजल्ट जो है ना वैसा ही आता है तो फिर उसका भी तो दिल टूटेगा ना जिसने आपके लिए ये सारा कुछ किया है, आपके यहाँ अमन कायम किया है, आपके यहाँ वहाँ पर डेवलपमेंट की है, वहाँ पर आपको हर सुविधाएँ पहुँचाने की कोशिश की है और हर वो सहूलत आप तक पहुँची है और आप उस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हो जो आपको पिछले 65-70 सालों में नहीं पहुंची थी, जो आप इन 5-7 सालों में आप तक वो पहुंच रही है और जिस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है हमें देखने को मिल रहा है कि भाई वो वाली डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं हो सकी। खास करके रेलवे को अगर देखा जाए तो हमारा रेलवे आज भी वो 100 साल पुराना जो सिस्टम है
उसी पे जूझ रहा है, और आपके यहाँ जो है ना वो वंदे भारत जो है ना वो ट्रेनें वहाँ पे आपको जोड़ दिया गया है और आपके लिए सहूलतें भी पहुँचा दी गई हैं, और जो सड़कें हैं वो पहुँचा दी गई हैं उन पहाड़ों तक जहाँ तक जो है ना पैदल जाना भी मुश्किल था, वहाँ तक सड़कें पहुँचा दी गई हैं और आपके लिए वहाँ पर ट्रेनें चल गई हैं। अब देखिए ट्रेनें तो वो चल गई पहाड़ों को सीने चीर के, लेकिन पहाड़ों के ऊपर जो है ना वो वहाँ तक जाने के लिए पैदल लोग जाते थे, तो वहाँ पे जो गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए कोई चीज़ें नहीं थी, लेकिन पहाड़ के ऊपर सड़क लेकर जाना ये कोई आम बात नहीं होती, वहाँ तक उन्होंने आपके लिए सहूलतें आपकी दहलीज तक पहुँचा दी हैं। तो अगर उसके बावजूद भी अगर पिछले ही रिजल्ट की तरह ये रिजल्ट आप देते हैं तो फिर आप अपने ही हालात के खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अगर ये अमन कायम हुआ है और आप अमन कायम करने वालों को सिलेक्ट नहीं करते, उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं जिनकी वजह से आप 70-75 सालों से मुश्किलात का शिकार थे, तो फिर वो भाई आप ही इसके जिम्मेदार होंगे, किसी को फिर आप दोष नहीं दे सकते। तो हम तो यही कहेंगे कि अमन कायम हुआ है जिस वजह से भी उसको सपोर्ट करना चाहिए और बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करना चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि अमन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। अमन कायम होता है तो फिर ही खुशहाली आती है, फिर ही वहाँ पर डेवलपमेंट और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अगर यहाँ पे अमन कायम होने तक, अब देखिए अमन कायम हो चुका है और साथ साथ डेवलपमेंट भी इतनी ज़्यादा हो रही है, और अगर ये अमन कंटिन्यू रहता है तो फिर देखिए कि वहाँ पे कितनी बड़ी जो है ना डेवलपमेंट होगी, और वहाँ से देखिए बाहर से वो कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, और अगर आप फिर उनको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे और जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो आप तक पहुँचने की बजाय वहाँ पर इलाके की तरक्की आती है खुशहाली के बजाय वो चंद लोगों की जेबों में चली जाएगी, जैसे कि पहले लोगों की जेबों में जाती रही है। अब ये फ़ंड तो पहले भी मिलते थे, ये सारे डेवलपमेंट फ़ंड हर साल मिलते थे, लेकिन लगते हुए कहीं नज़र नहीं आते थे, और अगर आप ये लगते हुए नज़र आ रहे हैं तो हमें भी उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए और बढ़ चढ़ कर उसमें अपना हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आज आपको मौका मिला है तो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाइए ताकि आप लोगों का ये अमन बरकरार रहे, आप आगे बढ़ते रहे। हमारी तो यही दुआ है कि कश्मीरी भाइयों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनकी ज़िंदगी में ये अगर अमन आया है तो ये बरकरार रहे, हमें इससे खुशी होगी, तो उसके लिए आप कश्मीरियों को भी अपना हक अदा करना। और एक चीज़, पाकिस्तानी साइड जो कश्मीर है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि यहाँ पर चीज़ें सहूलतें नहीं हैं, नेटवर्क खास करके एक ऐसा इशू है कि नेटवर्क नहीं आता यहाँ पे, तो उसके लिए जो हमारी जो कंपनियाँ हैं वो सबसे जो बड़ी कंपनी है जो हमें प्रोवाइड कर रही है चीज़ें वो जैज़ है, और वो जैज़ जो कंपनी है वो अपने टावर्स अब वहाँ पे कश्मीर में नरान वाली साइड पे, इन साइडों पे अब जहाँ जहाँ टूरिज़्म है वहाँ पे अपने टावर्स लगा रही है, तो अब ये पाकिस्तानियों के भी सहूलत मिला करेगी कि उनकी जो नेटवर्किंग है वो आपको मिलेगी, आप उन वहाँ उन इलाकों में जो 3-4 दिन के लिए घूमने जाते हैं आपका रबता पीछे से कट नहीं जाएगा, तो आप नेटवर्क को भी साथ इंजॉय करते हुए रहें, क्योंकि आज उस ज़माने में हम जहाँ 5G का दौर है तो हमारे यहाँ पे 2G भी नहीं होता वहाँ पे, तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम होती है उन टाइम में, और ख़ास करके बहुत सारे लोग इस वजह से जल्दी वहाँ से भागते हैं कि पीछे से जो रबता नहीं हो पा रहा, पीछे परेशानियाँ हैं, मैसेज अगर सुबह कर रहे हैं तो शाम को पहुंच रहा है, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं होंगी, पाकिस्तानी जो इलाके हैं वहाँ पे भी अब इन्होंने टावर लगाने शुरू कर दिए, ये भी एक खुशाइंद है, और अच्छी कामों की हमेशा हौसला अफजाई करनी चाहिए। जैसे वो मैडम कह रही थी कि मैं सलूट करती हूँ आर्मी को, यहाँ की पुलिस को, जहाँ जिन्होंने अमन लाया है, तो ये पाकिस्तानियों को ये सीखना चाहिए कि यार हम तो अमन चाहते हैं कश्मीरियों के लिए, हम कौन सा उनके लिए ऐसी चीज़ें, अगर तो आप अमन वाकई में चाहते हैं तो फिर उनका अमन लौटा है तो उसके लिए खुशी आपको भी खुश होना चाहिए। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।